नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजी अंजू। आज हम चर्चा करेंगे लिव इन रिलेशनशिप की। भारतीय संस्कृति के अनुसार इस संबंध को कदापि स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यह विदेशी सभ्यता में होता है, यानी कि विदेशी कल्चर में होता है, जहां पारिवारिक मूल्य बिखर गए हैं। यह संबंध अनैतिक संबंधों की श्रेणी में गिना जाता है। वैवाहिक परंपरा भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, उसे किसी कीमत पर भी दूषित नहीं किया जा सकता। अपवाद उपलब्ध हो सकते हैं, उनके विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि दो व्यक्तियों का संबंध निश्चित ही समाज को प्रभावित करता है। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि लिव इन दो कुंवारों में ही होगा। यदि रिश्तों की मर्यादा को तोड़ते हुए भी यह संबंध बनने लगेंगे, तब क्या स्वीकार्य होगा? यानी कि किसी युवक या युवती को पता चले कि उनके माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य संबंधी उन्हीं के किसी अन्य संबंधी के साथ अपने पार्टनर को छोड़कर लिव इन में रह रहा है, तो सोचिए उनकी मानसिक स्थिति के बारे में। जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं इसके पक्ष में, तो शायद वे भी इन संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, इसके पक्षधर कह सकते हैं कि अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है सबको, पर इस स्वतंत्रता का अर्थ उच्च श्रृंखलता तो कदापि नहीं है ना। माता पिता अपने बच्चों के अति मोह में बचपन में बिगाड़ देते हैं उनको, और उन्हें समझ नहीं पाते तो उसे ईश्वर के अधीन नहीं छोड़ सकते, ना ही उनको संस्कारों या मानव जीवन की नई परिभाषा लिखने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ मुट्ठी भर सिरफिरों के कारण रिश्तों की पवित्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी से भागने का अच्छा रास्ता ढूंढ लिया है लिव इन समर्थकों ने। ये बात समझ लीजिए कि ना तो सभी महिलाएं धोखेबाज होती हैं और ना ही सभी पुरुष। विवाहेतर संबंधों को अब लिव इन का नाम दे दिया है, जो मात्र सिर्फ दैहिक आकर्षण व शोषण है। यह तो सुविधाजनक संबंध है। इसका अर्थ हुआ कि एक पुरुष व महिला जब एक दूसरे को सहन नहीं करेंगे तो दूसरे साथ ही चुनेंगे, और फिर वहाँ भी पटरी ना बैठी तो फिर अगले साथी की तलाश शुरू हो जाएगी। यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? यह तो खुल्लम खुल्ला व्यभिचार ही है, लिव इन के नाम पर और कुछ नहीं। दो लोग जब साथ रहते हैं तो आने वाले बच्चों की समस्या से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। लिव इन में सिर्फ स्वच्छंदता होती है या मनमाना रवैया। वहाँ किसी भी कोई जिम्मेदारी का जिम्मेदार नहीं होता है, और तब भी यदि चूक हो जाए तो उसका अंत भी शादी ही होगा। समस्या वही होती है कि बिना शादी के बच्चे को हम क्या बताएंगे। हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जब उनका रिश्ता ही नहीं तो उनमें माँ बाप का रिश्ता भी नहीं बन सकता है। लिव इन से जो बच्चे पैदा होंगे उनके तथाकथित माता पिता उनके लिए आदर्श व प्रेरणा स्रोत बन सकेंगे, जैसा कि आम जीवन में होते हैं। सोचिए, हम अपने बच्चे से बुढ़ापे में लाठी बनने की कल्पना करते हैं, क्या उन बच्चों के बारे में ऐसा सोच सकेंगे हम? बहुत बार हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जिन्हें अविवाहित माताएँ जन्म देते ही छोड़ देती हैं। कुंती पुत्र कर्ण से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। राज परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी सारी आयु अपनी पहचान के लिए व्याकुल रहे कर्ण, आज भी यहाँ वहाँ बच्चे पड़े हुए मिल जाते हैं जो लिव इन का परिणाम होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि इस संबंध को मान्यता दे दी है, परंतु धर्म एवं समाज इस संबंध को कदापि स्वीकार नहीं करता है। ये आर्टिकल आदरणीय चंद्रप्रभा सूद जी का लिखा हुआ है और बेहतरीन उनके आर्टिकलों में से एक है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसे साझा किया। आगे भी हम अन्य विषयों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।